तो गाइस यार आज के इस वीडियो में हम लोग एक गजब का जुगाड़ लगाने वाले हैं। हमारे देश के जो किसान लोग होते हैं अपने फसल को वृद्धि करने के लिए समय समय पर की दवाई का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, जिसे छिड़काव करने के लिए मार्केट से मशीन लग रहा है जिसका प्राइस लगभग मार्केट में 2,000 से 3,000 के बीच में होता है। तो ऐसे में किसान लोगों को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले, बहुत ही सस्ते दामों लगभग आपको 5 से 10 रुपये में आप लोगों को एक बहुत ही शानदार मशीन आप लोगों को बनाकर दिखाने वाले। तो अभी आपको हम जुगाड़ बता दें कि हम लोग उसे किस तरीके से बनाने वाले हैं। गाइस सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें कुछ इस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ताकि उसे पानी के साथ हम बना सकेंगे, और एक बड़ा सा डब्बा लेंगे। मेरा डब्बा ही 15 लीटर के करीब का मेरा डब्बा है अभी, जिसमें हमने ऊपर से ढक्कन पे एक छेद करके रखा है और एक छेद को हमने नीचे से करके रखा है। हमने पहले से छेद को कर दिया है और अभी सबसे पहले ढक्कन को खोल लेते हैं। ढक्कन को खोलने के बाद इसमें एक भाल पिन को लगाएंगे, इसमें एक भाल पिन को टाइट कर लेते हैं। अब उसके ऊपर से ट्यूब के उसके शेप के जैसा काट के उसके ऊपर से लगा देंगे और उसके ऊपर से एक वाशर को लगा देंगे ताकि उससे कुछ भी लीकेज हमारा ना हो पाए। और अभी इसको अच्छे तरीके से हम टाइट कर देते ताकि इस कहीं से लीकेज ना हो पाए। और ऊपर से हमने भालपिन को लगा दिया है और ये एक तरफ से बन के रेडी हो चुका है। और इसके अंदर भी सेम उसी तरीके से हम इसको डाल करके निकाल लेंगे बाहर से। और इसको भी अच्छा तरीके से हम टाइट कर देते ताकि यहाँ से कहीं से कुछ लीकेज ना हो पाए। और एक पाइप लेंगे थोड़ा मीडियम साइज़ का, थोड़ा पतला साइज़ का हम पाइप लेंगे ताकि दोनों में फिट बैठ सके। और उसके अगले सिरे पर हमने पेन को लगा के रखा है पहले से ही। और एक नोजल लेंगे जो आपको हार्डवेयर की दुकान पर आसानी के साथ मिल सकता है, उस नोजल में आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो ताकि खेत को पटाने में प्रेशर कम ज़्यादा हो सके। और यहाँ पर हम अगले सिरे से उसको लगा देंगे अच्छे तरीके से। और अभी अगले सिरे में अच्छा तरीके से लग चुका है और इसके बाद हम क्या करेंगे, पिछले सिरे को लगा देंगे, उस भालपिन वाले साइड से लगा देंगे, इस साइड से अच्छे तरीके से हम लगा देंगे ताकि यहाँ से भी पानी का प्रेशर जो है बाहर ना फेंक सके। और अब ये बन के रेडी हो चुका है और इसमें क्या करेंगे, एक रस्सी को लगा दें ताकि आसानी के साथ कंधे पर उसे हम टांग सकें, क्योंकि इसे हाथ में लेना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकता है, इसलिए हम एक रस्सी को लगा देते ताकि उसे कंधे पर आसानी के साथ हम टांग सकें। और अभी अच्छा तरीके से बन चुका है, अभी से हम क्या करते हैं खेत में पानी भर के ले आते हैं और उसमें ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है। सबसे पहले इसमें पानी को हम भर लेते हैं और पूरा फुल नहीं करेंगे, थोड़ा सा जगह इसमें अभी खाली रखेंगे हम। और अब ढक्कन को अच्छे तरीके से टाइट करके लगा देंगे हम। अब इसमें पंप के सहारा से हवा मारेंगे ताकि पानी के प्रेशर को ये बना सके। और अभी से एक आदमी के सहारा से कंधे पर टांग लेते हैं क्योंकि अकेला इसे उठाना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भारी हो चुका है पानी के कारण इसमें। गाइस हमारा ये जुगाड़ कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा। और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और कुछ अजूबा चीज़, कुछ मज़ेदार चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द बहुत ही मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। इधर ये पानी बह रहा है अभी और पानी भी खत्म हो चुका है अभी।
तो गाइस हमारा ये जुगाड़ कैसा है आप लोग कमेंट में जरूर से बताइएगा, और आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और कुछ अजूबा चीज़ कुछ मजेदार चीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और हम मिलते हैं बहुत ही जल्द बहुत ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। इधर ये पानी बह रहा है अभी, और पानी भी खत्म हो चुका है अभी।